लगता है इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही है ना? पर फिक्र मत करो मेरे प्यारे बच्चों, इसका इलाज है मेरे पास, जानते हो? आपके सामने पेश है बुन बुन मौसी। इनके बुने हुए स्वेटर से सारी ठंड चुटकी में गायब हो जाती है। कितने प्यारे बच्चे हैं, इनके लिए जाल बुनने में बड़ा मजा आएगा। इनके लिए स्वेटर बुनने में बड़ा मजा आएगा। अब चलो बच्चों, बुन बुन मौसी को साथ ले जाकर अपना हॉस्टल दिखा दो। चलो बच्चों, स्वेटर बनाने के पहले मैं आप लोगों का नाप ले लेती हूँ। अरे तुम कितने मोटे हो। तुम आ जाओ। अच्छा अब समझा, तो ये है आपकी चुनौती। ज्यादा कसा हुआ तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे इस टेप को क्या हो गया? मस्ती टाइम। क्रिस, आज मैं अपने महाराज कनिष्क को तुझसे हमेशा के लिए छुटकारा दिलाऊंगा। गोलू, मैं तुम्हें इस रेस से बाहर करता हूँ। आज की रेस का विजेता है बबलू। तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट? अब भला ये कौन सी परीक्षा है? आज जो स्टूडेंट टेस्ट में पहला आएगा उसको कल एक खास इनाम मिलेगा। मम्मी, मस्ती टाइम। बच्चों याद है ना, इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम चीटिंग करने के लिए नहीं कर सकते, तो इस परीक्षा के सवाल तुम्हें खुद ही हल करने हैं।
ठीक है सुखी। क्या बात है, क्या बात है? मस्ती टाइम। मधु के बच्चे तूने ये? ओके स्टूडेंट्स, टाइम खत्म हुआ, लिखना बंद करो और अपना एग्जाम पेपर मुझे दो। गोलू। ओके बच्चों, क्लास खत्म हुई, कल सब वक्त पर आ जाना। बबलू के बच्चे, अगर कल तू पहला नहीं आया तो मैं 3 हफ्तों तक तेरा खाना खाऊंगा, समझे? रहने दे गोलू, तुझे इसका खाना पसंद नहीं आएगा। तुझसे किसने पूछा नील की दुकान? चुप कर वरना तेरा खाना भी हजम कर जाऊंगा मैं। मस्ती टाइम। चलो जल्दी करो बच्चों। अब इन कवों को मजा चखाने का वक्त आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मथुरा के मसीहा। तूने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, अब चोट खाने की बारी तेरी है। धन्यवाद, लेकिन मैं चोट नहीं खाता। तुम्हारे पास मिठाई हो तो बताओ। जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। लगता है कि आज इस भूसा सुर की बदौलत मुझे इस सरदर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। शो, शो। मस्ती टाइम। तुम सब इधर हो? मैं तुम सबको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। कौवे भाग गए। क्रिस तूने ठीक कहा, गांव में मजा करने को बहुत कुछ है। क्रिस ने कर दी एक और असुर की छुट्टी। देखते हैं अगली बार कनिष्क सर किसे लाते हैं। वैसे वो हैं कहाँ? कनिष्क सर, आप कनिष्क सर, कनिष्क सर, कनिष्क सर। मैं यहाँ कैसे आया? तू फिर आ गया? रुक जा, तुझे तो मैं। बस देव जी बस चली पाम पाम।